कोलंबो से आने वाले त्यारे को 2 घंटे बाद वापस कोलंबो उतार लिया गया। त्यारा वापसी के तमाम सफर में 13,000 फीट की बुलंदी से ऊपर नहीं जा सका। कोलंबो से कराची आने वाली श्रीलंकन एयरलाइन की परवाज को 40,000 फीट की बुलंदी पर हंगामी सूरत हाल का सामना करने पर त्यारे को 2 घंटे बाद वापस कोलंबो उतार लिया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि एयर लंका की कोलंबो से कराची की फ़्लाइट को रवानगी के 45 मिनट बाद भारत की फ़जाई हदूद में 40,000 फीट की बुलंदी पर शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। जहाज़ चंद मिनट में 40,000 फीट की बुलंदी से 11,000 फीट पर आ गया। त्यारा कोलंबो वापसी के तमाम सफर में 13,000 फीट की बुलंदी से ऊपर नहीं जा सका। जबकि त्यारा ने वापसी का सफर 325 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तय किया। यूं रवानगी के 2 घंटे 10 मिनट बाद फ्लाइट वापस कोलंबो बाहिफाजत लैंड कर गई। फनी खराबी का शिकार एयरलंका के जेरे इस्तेमाल एयरबर्स A330 12 साल पुराना है। कराची के मुसाफरों को जहाज से उतार कर लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ह है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये हादसा हो जाता तो बहुत से पाकिस्तानी जो कराची जा रहे थे वो इस हादसे का शिकार हो जाते। जबकि इस त्यारे को बाहिफाजत बचाते हुए भारत से ही इस त्यारे का रुख वापस कोलंबो की तरफ मोड़ दिया गया।